हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रांची के राजकीय अतिथिशाला में सीएम पीडीआई के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन को मिले बादलपुरा कोल ब्लॉक के सर्वे का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम पीडीआई के साथ बातचीत करके और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए उसकी एक्सप्लोरेशन, कितना कोयला है, कब से निकल सकता है, वो सारा उसकी असेसमेंट करने के लिए हमने उनको एंगेज किया है और उन्होंने कहा है कि 12 महीने के अंदर अंदर वो सारी प्रोसेस पूरी कर देंगे और उस 12 महीने के अंतराल के बाद हम उस कोयले का उपयोग कर पाएंगे। और ये कोयला हमें मिलेगा तो हम उसके लिए हमारा जो बिजली उत्पादन का जो हमारी आवश्यकता है उसको और अच्छी सुविधाजनक तरीके से हम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड से मिलने वाले कोयले से पूरा हरियाणा रोशन होगा और अगले 20 से 25 सालों तक उन्हें इस ब्लॉक से कोयला मिलता रहेगा। ब्लॉक की क्षमता 40 लाख मीट्रिक टन सालाना है। हमारी कैपेसिटी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से लगभग 25 साल 30 साल तक ये कोयला हमारा मिलता रहेगा हमको और हर साल में 40 लाख मीट्रिक टन कोयला ये हमको अपेक्षा है कि उसमें। एक ओर जहां झारखंड में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है इसके बावजूद राज्य अंधेरे में है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के कोयले से दूसरे प्रदेश रोशन हो रहे हैं, यह राज्य की कैसी विडंबना है। कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 रांची।